सालों पहले एक कल्ट ड्रामा कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना साल 1994 में रिलीज हुई थी। इस 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म में सलमान खान और आमिर खान ने दर्शकों को काफी एंटरटेन किया। You are very jokey. अरे क्या बात करता है। अरे अरे ये क्या, दो चाय क्यों, एक का वापस ले जाओ, एक का वापस ले जाओ। लेकिन मैं भी तो पीऊंगा। अरे यार दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है क्या? अच्छा, उस वक्त ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल ना दिखा पाई जितना फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने सोचा था। इस फिल्म ने उस वक्त 9 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि ये इतना भी बुरा नहीं था। खैर, अंदाज अपना अपना को रिलीज हुए आज 30 साल हो चुके हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बॉलीवुड में एक बार फिर आमिर खान और सलमान खान की जोड़ी लोगों को हंसाने के लिए आ रही है। इस बात का खुलासा खुद आमिर खान ने अपने 59वें जन्मदिन पर किया, वो भी लाइव सेशन के दौरान। 14 मार्च को आमिर खान ने अपना 59वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान आमिर खान फैंस से कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने फैंस के सवालों का जवाब दिया। लाइव के दौरान जब उनसे किसी ने अंदाज अपना अपना की सीक्वल को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने इसके जवाब देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। मुझे फ्रेश पता चला है कि राज संतोषी इज वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ अंदाज अपना अपना, तो ये न्यूज काफी गर्म गर्म आई है। मतलब अभी उसने शुरू किया है, ज्यादा एक्साइटमेंट भी हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि उसने अभी काम शुरू किया है। बट आई एम ग्लैड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज़ आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस टू डू, एंड आई थिंक फॉर ऑडियंसेस टू वॉच अंदाज अपना अपना टू। ऐसे में अगर इस फिल्म का सीक्वल बनता है तो आमिर और सलमान की ये दूसरी फिल्म होगी जिसमें दोनों एक बार फिर साथ दिखेंगे। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने फिल्म को लेकर अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, सलमान और आमिर दोनों ही बॉलीवुड के उम्दा कलाकार हैं। ऐसे में दोनों को एक साथ लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होने वाली है। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, जब इसकी स्क्रिप्टिंग हो जाएगी तभी कुछ कहा जा सकेगा। वही बात की जाए दोनों स्टार के वर्क फ्रंट की, तो लाल सिंह चड्ढा के बाद अब आमिर खान सितारे जमीन की शूटिंग में बिजी हैं। कुछ दिन पहले आमिर और जेनेलिया की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। बता दे आमिर खान की सितारे जमीन पर फिल्म भी तारे जमीन का सीक्वल है। वही दूसरी तरफ सलमान खान की बात करें तो सलमान की आखिरी फिल्म टाइगर 3 थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। फिलहाल सलमान खान बुल की शूटिंग में व्यस्त हैं। देखना दिलचस्प होगा जब बॉलीवुड के ये दोनों ही दमदार एक्टर एक साथ नजर आएंगे। पिक्चर अभी बाकी है कि, और वीडियो का मजा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।